दोस्तों, झारखंड विधानसभा चुनाव अब नजदीक पहुंच गया है और सभी पार्टियां अपनी अपनी मजबूती बनाने की होड़ में लग चुकी है। अब रही बात एक ही, कौन पार्टी कितने सीट लाने की उम्मीद जताई जा रही है, किसकी मजबूत सबसे ज्यादा, यानी कि 2024 विधानसभा चुनाव में होने वाली है, कौन पार्टी जीत सकती है, क्योंकि एक और न्यू पार्टी की स्थापना हो चुकी है, वो है जयराम महतो की पार्टी यानी JVKSS। इसको आने से क्या दोनों पार्टियों पर प्रभाव पड़ सकता है या नहीं, चलिए इसके बारे में आज पूरी विस्तार से जानते हैं कि कौन पार्टी कितना सीट ला सकती है और किसे लाने की उम्मीद जताई जा रही है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। यदि बात करें तो झारखंड में 2024 विधानसभा चुनाव में प्रमुख दलों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM के नेतृत्व में गठबंधन सत्ता में है, जिसमें कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल यानी कि RJD शामिल है। इस गठबंधन का प्रदर्शन बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी BJP भी ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन से आसू और जनता दल यूनाइटेड JDU के साथ मिलकर मजबूत चुनौती पेश कर रही है। BJP और आसू के बीच सीटों के बंटवारे पर चर्चा लगभग पूरी हो चुकी है और आसू ने 16 सीटों की मांग की है। भाजपा मुख्य रूप से राज्य में आदिवासी और हिंदू वोटरों को आकर्षित करने की रणनीति अपना रही है, वहीं JMM आदिवासी वोटरों में अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने की कोशिश कर रही है। यानी कि मान जाए तो जयराम महतो की पार्टी यानी कि JVKSS वो भी 4-5 सीटें या उससे ज्यादा भी सीटें ला सकती है, उम्मीद जताई जा रही है। यदि BJP के साथ कोई और गठबंधन कर लेता है तो BJP सरकार बना सकती है, और यदि JMM के साथ कुछ लोग और घुस गए तो JMM निश्चित है कि वो सरकार बना देगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, झारखंड में किसकी सरकार आनी चाहिए, BJP या JMM की? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं।